अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और यहाँ पर जो है मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ता जो है आज बनाया है जी देसी घी का पराठा, साथ में मिक्स सब्ज़ी और साथ में जो है दही का रायता है। और ये है हमारा नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग जो है मास्क है, और ये मेरी सिस्टर बना रही है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसकी जो है वो ब्यूटी टिप्स में ये आपको बताती हूँ कि आपकी जो है स्किन कैसे ग्लो हो सकती है इसके साथ। और ये जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कच्चा दूध, साथ में ये एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा जेल के साथ आपकी स्किन टाइटन होती है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अर्क गुलाब, यानी गुलाब का अरक। ये यहाँ पर जो है बोतल है, ये दूसरी स्प्रे बोतल है। आपके पास जो भी है जो अवेलेबल है गुलाब का अरक आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसके साथ यहाँ पे मेरा हनी जो है वो ख़त्म हुआ पड़ा है, और इसको जो है फिल करना वाली है बोतल। और इसके साथ हनी आपने लेना है, और साथ में आपने लेना है हाफ लेमन। यहाँ पर जो है मेरा जो लेमन है ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, आप जो है इसमें फ्रेश लेमन यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद है। हाफ़ लेमन का जूस आपने इसमें ऐड करना है कच्चे दूध में। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं। दही इसके साथ जब आपने इसमें ऐड करना है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन ब्राइटन अप करेगा। और साथ में ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। जो बेसन है वो आपके जो स्किन पे एक्सेस ऑयल है उसको जो है वो रिमूव करेगा, और आपकी स्किन को जो है वो टाइटन अप करेगा। आपकी स्किन जो है एक स्मूथ सा जो है आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो आएगा इसके साथ। क्योंकि ये जो मास्क है ना ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल शादियों का सीज़न है, इसको आप यूज़ करें। ये आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये बेस्ट है। इसको आपने जो है वो अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें जो है वो बबल्स वगैरह ना रहें, लम्स वगैरह ना पड़ें। और इसको अच्छे से जो है वो एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, एक क्रीमी टेक्सचर जो है वो इसका होना चाहिए। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने जो है हाफ़ टी स्पून वो लेनी है, और 8 to 10 ड्रॉप्स आप जो है वो एलोवेरा जेल के इसमें ऐड करेंगे। जो एलोवेरा जेल है वो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं इसको जो है वो मिनिमाइज़ करती है। और जो अर्क गुलाब है ये आप इसमें स्प्रे के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो अर्क गुलाब है वो आपकी स्किन जो है उसको करेगा फुल, आपकी स्किन को जो है ग्लोइंग बना देगा, फ्रेश कर देगा आपकी स्किन को। और इसके बाद इसमें स्प्रे करने के बाद और इसमें अब हम ऐड करेंगे हनी। तकरीबन हम इसमें पूरा टेबलस्पून तो नहीं इसमें यूज़ कर रहे, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है बहुत ज़्यादा तो आप इसमें वो मुल्तानी मिट्टी है वो भी ऐड कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी जो है आपके पोर्स मिनिमाइज़ करती है, और आपके जो है स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है जिसको सीबम बोलते हैं वो भी जो है उसको कंट्रोल करती है। और इसके साथ हम इसमें एवियन कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करेंगे। 1 जो है वो हमने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको ऐड करने के बाद हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, अच्छे से जो है वो इसको जो है आपने पेस्ट बनाना है। आजकल शादियों का सीज़न है तो हर कोई चाहता है जी मेरी स्किन जो है वो ग्लो करे और मेरी ही स्किन पे सबसे ज़्यादा शाइन हो, क्योंकि हम गर्ल्स में ऐसे होता है ना एक दूसरे को हम देख के कहते हैं जी उसकी स्किन ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो इस वजह से ना हमें जो है ये देखना पड़ता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ अपने जो है फेस पे यूज़ करते हैं, और करनी भी चाहिए। इंसान जो है वो खूबसूरत दिखना चाहिए इंसान को, और गर्ल्स की तो ये प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ी सी हमने इसमें 1 तकरीबन पिंच, 1 चुटकी हमने इसमें ऐड की थी हल्दी। और ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो मास्क और क्रीमी टेक्सचर वाला मास्क तैयार हो गया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हैंड पे। आप अपनी एक पिक्चर पहले भी ले सकते हैं और एक बाद में, हमने फेस पे अप्लाई कर ली है और अब जो है वो बच गया है, हमने हैंड पे अप्लाई करना है। और हैंड पे अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा, और तब आपने इसको जो है वो नॉर्मल वाटर से आपने इसको रिमूव करना है। ना तो ठंडा पानी यूज़ करना है और ना ही आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है, नॉर्मल जो है पानी है वो आपने इसको यूज़ करना है। और इसको आपने जो है वो वॉश करना है अच्छे से, और आपको अपनी जिल्द पे अपनी स्किन पे ख़ुद ही जो है वो फ़र्क महसूस होगा कि आपकी जो है वो स्किन कितनी ग्लो कर रही है। आप इसको वीक में
टू टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप महीने में तकरीबन हर वीक में आप एक दफ़ा इसको यूज़ करें और आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। और इसके बाद मैं आपको इसको रिमूव करके जो है इसकी एक पिक्चर दिखाऊंगी। और ये मास्क बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त है आपके विंटर स्किन के लिए। इसके साथ आपकी स्किन जो है ना बहुत ही शाइन करती है, और ये जो है वो कच्चे दूध की निस्बत होता है, ये कच्चा दूध आपकी स्किन को बहुत ब्राइट करता है। और अगर आपको जो है मेरी ये रेमेडी और स्किन केयर रूटीन आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें और अपना भी ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।